हेलो गाय कैसे हैं? आप लोग आप सभी लोगों को मेरा प्यार प्यार नमस्कार और मैं पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक पर सो जल्दी से जाइए फटाफट जैसन को ज्वाइन करिए आयुष त्रिपाठी जी गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो आयुष स्वागत है आपका आयुष आपकी क्लास में जैसे ही क्वेश्चन राइट बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि टाइम है कम क्वेश्चन करेंगे हम लोग कम से कम सौ आ, सौ प्लस क्वेश्चन करेंगे टारगेट हम लोगों का आज की क्लास में यही है कि हमको क्वेश्चन जो करने हैं वो करने हैं सौ के प्लस राइट तो हंड्रेड प्लस जो सवाल हमको करने हैं आज राइट right? तो आप लोग भी तैयार हो जाइए इसमें सारे मिक्स सवाल रहेंगे आप लोगों के और एक हमारा यू पी गवर्नमेंट जॉब का हमारा सुपर कोचिंग का वो चल रहा है आ, सेल चल रही है जहाँ पर पाँच हज़ार का जो कोर्स आपको मिल रहा है चार सौ निन्यानवे रुपये में जहाँ पर मेरा कोड अप्लाई करेंगे ए पी एस तो इसमें से भी आपको दस परसेंट का ऑफ और मिल जाएगा तो ये चार सौ उनचास रुपये का आपको पड़ जाएगा ठीक है जाइए आइए छः महीने का सब्सक्रिप्शन है सुपर कोचिंग का आगे बढ़ते हैं हलो 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 पाखी हलो अंबिका हलो काजल हलो आयुष आगे बढ़ते हैं सीधे सवाल पे पर करेंगे हम लोग आगे की तरफ जैसे कि पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि मूल सिद्धांत द्वारा बनाए गए कानून को मौलिक अधिकारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है जरा बताएं तो जैसे कि लॉ मेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी चैलेंज बाय द फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा संशोधन जो होगा सुनिश्चित करता है ऐसा किसने ऐसा बोला था तो जाएगा हमारा कौन सा बेटा 42nd ये हमारा जाएगा फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है आप उसे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं वेरी गुड काजल एंड द दाखी आगे बढ़ते हैं देर आर हाउ मेनी आईलैंड इन अंडमान एंड द निकोबार अंडमान और निकोबार में कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार जिसको दोनों को अलग करता है दस डिग्री चैनल ये भी याद रखेंगे ठीक है और इसके अलावा वहां पर सैडल पीक है सेडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक मानी जाती है इसके अलावा वहां पर के बैरन बैरन आइलैंड आइलैंड है 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 पर पर एक्टिव ज्वालामुखी पाया जाता ये याद रखना और टोटल आइलैंडों का समूह हो जाएगा पांच सौ बहत्तर तो आंसर फाइव सेवेंटी टू हो जाएगा अच्छा ये ग्रुप ऑफ आइलैंड इनको क्या कहा जाता है आइलैंड के ग्रुप्स को एक नाम दिया जाता है उसका नाम हो जाएगा क्या आर के प्लाजो आर के प्लाजो बोलते हैं इसको इसके आईलैंड के ग्रुप को इसी तरीके से आप लोगों से लक्ष्यद्वीप से भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है और लक्षद्वीप से सवाल आपका क्या आएगा कि ये कोरल आइलैंड है याद रखिएगा कोरल आइलैंड है कोरल आइलैंड है वित्तीय द्वीप है क्या बोलते हैं इसको भित्तीय द्वीप या वित्तीय द्वीप क्या बोलते हैं वित्तीय द्वीप ना तो वित्तीय द्वीप हो जाएगा ये और इसके साथ में छत्तीस आइलैंड का क्या है ये समूह है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सवाल यहाँ से बनते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ किस भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था कौन सी राजस्व व्यवस्था में जमींदारी या फिर आपका रैयत बाड़ी महलवाड़ी या फिर एक याद दोनों तो अगर बात की जाए इसकी वाराणसी की बात की जाए तो बंगाल बिहार उड़ीसा में जिस टाइम पर यह व्यवस्था लागू की गई थी तो यहां पर काजल ने आंसर दिया है ए और वो दे रही है कौन सी जमींदारी व्यवस्था तो ये याद देखिएगा यहाँ पर जो यूपी वगैरह के एरिया में यूपी में बिहार में जो व्यवस्था बहुत प्रचलित थी वो कौन सी थी जमींदारी थी इसलिए हमारे साइड जो है जमींदार बहुत पाए जाते हैं इधर चले जाओगे हरियाणा बरियाणा के साइड में वहाँ पर लंबादार पाए जाते हैं लंबरदार लंबरदार क्या होता है जानते हैं आप जैसे जमींदार होता है वैसे लंबादार भी होते हैं बड़ा बहुत लंबादार बन रहे हो तुम तो लंबादार होते थे इनको अपनी आर्मी आर्मी बनाने की छूट होती थी लठैत लेके चलते थे लोग अपने साथ में और गाँव के जो न्यायिक जो फैसले होते थे उनको भी ये लोग करते थे राइट आगे बढ़ेंगे कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस कौन सा हो जाएगा लाइन एंड द पीकॉक डांस डांडिया रास फुगड़ी या फिर बिहू इनमें से कौन सा होगा तो बिहू तो असम का हो गया असम और डांडिया जो है गुजरात का है जिसको अभी यूनेस्को में कल्चर वगैरह में डाला डालने की बात चल रही है तो डांडिया आपका गुजरात का हो जाएगा इसको नोट करेंगे और इसके साथ साथ में इधर आपका बचा है फुगड़ी एंड द लॉन एंड द पीकॉक डांस तो लॉइन एंड द डांस किया जाता है कहां पर अरुणाचल प्रदेश में अब सवाल मेरा यह है कि जो फुगड़ी है यह फुगड़ी कहां पर किया जाता है बस सिंपल सा सवाल यह है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के एम मोनी यादव गुड मॉर्निंग भाई चलो तो ये फुगड़ी डांस कहा करते हैं फुगड़ी डी आंसर नहीं होगा साक्षी बेटा फुगड़ी गोवा का है वेरी गुड तो फुगड़ी डांस कहां का हो जाएगा ये ये गोवा का है इसको भी क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहां से क्वेश्चन आता है नोट करेंगे कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं वो इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा जिसको हम लोग एक अपर हाउस के नाम से जानते हैं अपर हाउस कहते हैं इसको इसमें 250 मेंबर होते हैं जिसमें कि 238 इलेक्टेड होते हैं 12 क्या होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं जिसके एक्स ऑफिसियल चेयरमैन होते हैं बाईस प्रेसिडेंट और यहाँ पर जो कार्यकाल होता है इन लोगों का वो कार्यकाल छः साल का होता है सिक्स ईयर का होता है और कभी भी ये स्थगित नहीं की जा सकती है इसको स्थगित नहीं कर सकते हैं कोई भी यहाँ पर एक बटा तीन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो दो साल में बदल दिया जाता है मतलब दो साल में एक बटा तीन लोग बदल दिए जाते हैं जिस तरीके से चलता रहता है और कभी ना स्थगित होने वाली क्या होती है सभा होती है राज्यसभा राइट जिसको हम लोग ऊपरी सदन या अपर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसके अलावा कोई भी सवाल आपका राज्यसभा से नहीं बनेगा ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नहीं ऐसे आता है बेटा नोट करेंगे कि मुगलों की मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी मनसब होते थे मनसब बनाए जाते थे ठीक है मुगलों के जाट और सवार जैसे कई सारी उपाधियां दी जाती थी इसमें तो ये इसकी प्रणाली की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी परसिया में हुई थी अरब में हुई थी इंडिया में हुई थी या फिर सेंट्रल एशिया में हुई थी कहाँ पर हुई थी जरा बताएं चलो भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को दीपांशु भाई गुड मॉर्निंग ताइबा खान श्वेता गरिमा गुड मॉर्निंग सभी को आप लोग भी सेशन को शेयर कर दीजिए सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में सबको बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है तो आंसर हो जाएगा इसका जब देखो मुगलों की जम्मेदारी प्रणाली शुरू हुई थी आपकी सेंट्रल एशिया में शुरू हुई थी ना कि इंडिया में शुरू हुई थी इंडिया में आके ये अप्लाई हुआ था लेकिन इससे पहले सेंट्रल एशिया में ये मनसबदार या मनसब व्यवस्था जो है शुरू हो चुकी थी तो डी आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं बस्तर क्षेत्र में निम्न में से क्या स्थित हो जाएगा बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन तो बस्तर रीजन में क्या होगा? से। इन बस्तर रीजन बस्तर रीजन में कौन सा हो जाएगा गुड मॉर्निंग चांदनी गुड मॉर्निंग ताइबा तो बस्तर रीजन में बस्तर क्षेत्र पड़ता है बस्तर में पड़ेगा कौन सा बेटा यहाँ पर ताबिया लगाया है राजाजी नेशनल पार्क राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका नहीं होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान होगा इंद्रावती बस्तर क्षेत्र में पड़ेगा आपका इंद्रावती पड़ेगा राजा जी नहीं पड़ेगा राजा जी नेशनल पार्क किस जगह पर जरा बताएं अगर राजा जी के एग्जैक्ट लोग बताइए कहां पड़ेगा राजा जी जो लोग आंसर दे रहे हैं ताइबा खान और आ, क्या नाम है आपका ये लोग बता सकते हैं कि राजा जी किस जगह पर पड़ता है पहले आप ये बता दिए राजा जी है कहां पर चलो यूके में है चलिए और बस्तर कहां पड़ता है राजा जी अगर यूके में है तो बस्तर कहां पड़ता है एक सवाल है आपका पूछिए भाई क्या नाम है आपका गजेंद्र सिंह पूछिए गजेंद्र सिंह सवाल पूछिए बस्तर का एरिया कहाँ पड़ता है बस्तर आपने सुना है बिहार वगैरह साइड पड़ेगा ना बस बस्तर बस्तर का क्षेत्र छत्तीसगढ़ बिहार के साइड पड़ता है बस्तर का क्षेत्र तो यहाँ पर जो पड़ेगा वो राजा जी नेशनल पार्क पड़ेगा ये वाला राइट इधर आगे बढ़ते हैं हाँ जी गजेंद्र सिंह सवाल पूछिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा बिच ऑफ द टॉलेस्ट प्ले टू इन द वर्ल्ड दक्कन का पठार तिब्बत का पठार कोलंबिया का पठार या फिर कटंगा का पठार इनमें से कौन सा पठार सबसे ऊंचा पड़ेगा अच्छा बक्सर जो है वो बिहार में है बस्तर छत्तीसगढ़ में अच्छा ऐसा है क्या चलो तिब्बत तिब्बत का पठार वेरी गुड तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा माना जाएगा आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद दो सौ दो, दो सो या सौ सड़सठ एक सौ तिरसठ डिस्क्रिशन पावर चलो फटाफट आंसर देंगे तो यहां पर वन सिक्सटी थ्री आंसर दिया है ललित ताइबा ने आंसर वन सिक्सटी थ्री दिया है गरिमा ने एक सौ चौहत्तर दिया है चलो आनंद भवन प्रयागराज में है भवन से आ गया ये आंसर हो जाएगा यहां पे बेटा आपका 163 हो जाएगा जो कि इनके डिस्क्रिप्स पावर से संबंधित हो जाएगा गवर्नर के ठीक अगला क्वेश्चन योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं किसने दिया है योग दर्शन कपिल गौतम पतंजलि या फिर जामिनी इनमें से किसने दिया है योग दर्शन तो योग दर्शन की बात करेंगे तो पतंजलि के नाम से इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं पतंजलि दिया है योग दर्शन एक आपसे और पूछा जाता है सांख्य दर्शन ये सांख्य दर्शन किसने दिया है सांख्य दर्शन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन जो है किसने दिया है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा सांख्य दर्शन किसने दिया है फटाफट आंसर देंगे आप लोग सांख्य दर्शन किसने दिया कपिल ने दिया है वेरी गुड तो हो जाएगा ये कपिल ने दिया है सांख्य दर्शन अच्छा ये अष्टधाही 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 करके जो ग्रामर की बुक है ग्रामर बुक कही जाती है ग्रामर की बुक कही जाती है व्याकरण की किताब कही जाती है इस किताब को लिखने वाले या इस किताब का बनाने वाले कौन हो जाएंगे इसको देने वाले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हाँ सबसे पुराना है साख दर्शन तो इसका आंसर हो जाएगा पाड़नी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जवाब क्या आ जाएगा पाड़नी आ जाएगा ये पाड़ी हो जाएंगे ठीक है ऐसे करें ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं जैसे कि सर्जरी के लिए जो चरक संहिता है वो किसने लिखी है तो कौन सी बुक है सर्जरी के लिए मेडिकल के लिए वो जाएगी चरक संहिता चरक संहिता मेरा बफर हो रहा है नेट आपका स्लो होगा स्वता सिंह जी ठीक है इसलिए बोलते हैं रात में जल्दी सो जाया करो नेट का यूज मत किया करो ठीक है <laughs> वीडियो कॉल मत किया करो कोई भी पिछले मत देखा करो सीरीज मत देखा करो क्लास किया करो सुबह चलिए आज सो जाकर चलक सुश्रत वेरी गुड आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जुगान्तर पार्टी के संस्थापकों में से एक था जुगान्तर पार्टी राज बिहारी बोस सुरेंद्र नाथ या फिर हो जाएगा विपिन चंद्रपाल या फिर हो जाएगा आपका अरविंदो घोष दीक्षित साहब गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग दीक्षित गुड मॉर्निंग अंश गुड मॉर्निंग बताएं बेटा जल्दी से तो जुगान्तर पार्टी के संस्थापकों में से एक था इंजीनियर अंश गुप्ता कौन से इंजीनियरिंग की भाई अंश गुप्ता आपने कौन से ट्रेड से हैं आप लोग अंश गुप्ता किस ट्रेड से हो कहाँ से किया है मतलब बीटेक किससे किया है कौन सी ब्रांच से किया है ट्रेड तो आई में होती है चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएंगे आपके अरविंदो घोषण आंसर हो जाएगा जुगान्तर पार्टी के संस्थापक अरविंदो घोष ठीक है ऐसे आप लोगों से पूछा जा सकता है गदर पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे गदर पार्टी तो आप याद रखेंगे लाला हरदयाल लाला हरदयाल याद रखेंगे लाला हरदयाल ठीक है चलिए तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसके अलावा कई सारी पार्टीज होंगी जैसे स्वराज पार्टी पूछ सकते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मोतीलाल हो जाएंगे ऐसे इसी तरीके से स्वतंत्रता पार्टी पूछ सकते हैं स्वतंत्रता पार्टी किस किस किसने बनाई थी तो स्वतंत्रता पार्टी आपके हो जाएंगे जो हमारे सी राजगोपाल थे इन्होंने बनाई थी इसमें कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सी राजगोपाल ऐसे आप लोगों से बहुत सारे पूछ सकते हैं होम रूल लीग पूछ सकते हैं किसने चलाया है? वो तो आंदोलन में चला जाएगा पार्टी की बात करें तो ठीक है आगे बढ़ेंगे कहाँगे गजेंद्र साहब गजेंद्र साहब ने बोला है कि चलिए गजेंद्र साहब आपने पूछा नहीं आपका क्या सवाल था गजेंद्र मैं तब से आपके सवाल का वेट कर रहा हूँ आपने पूछा नहीं अभी तक और ताइबा खान सर एक बात नहीं समझ आती है लगभग टीचर्स बोलते हैं एक ही चीज़ सभी बच्चों को क्या बोलते हैं जरा वो भी बता दीजिए एक बार कौन सी बात बोलते हैं चलो आंसर हो जाकर बेटा आपका कौन सा अरविंदो घोष अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ध्वनि में सबसे तेज गति से यात्रा कहाँ पे करेगी वैक्यूम में करेगी स्टील में करेगी वाटर में करेगी या फिर किस में करेगी ये एयर में करेगी तो याद रखना कि जो साउंड है बेटा तो साउंड का क्या सीन है कि साउंड सॉलिड में तेज चलता है सॉलिड के बाद फिर आपका लिक्विड में चलता है लिक्विड में चलता है और गैस में चलता है गैस में और उसके बाद आ जाएगा वैक्यूम क्या आ जाएगा वैक्यूम आ जाएगा मुझे आपसे सवाल बस इतना पूछना है कि वैक्यूम या फिर निर्बाध में साउंड की स्पीड क्या होगी वैक्यूम और निर्वात में साउंड की स्पीड क्या होगी हो ये सवाल आप लोगों से पूछा है ठीक है चलिए चौरासा जल्दी से तो हो जाएगा गुड आ, गुड मॉर्निंग अजय सपना गुड मॉर्निंग दोनों लोग आ गए हैं तो आंसर हो जाएगा आपका अच्छा आपका हो जाएगा कौन सा तयबा खान इतनी बुरी मानने वाली बात नहीं थी और जो आपने इतना बुरा माना है इस बात को देखो जब हम कोई बात करते हैं तो हम किसी को टारगेट करके तो कर नहीं सकते हैं अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हो तो कोई नहीं करता है और सभी टीचर इसलिए बोलते हैं कि उनको चाहिए होता है कि बच्चे पढ़ें ठीक है अगर आप नहीं करते हो तो बुरा मानने की बात नहीं है अगर आप करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता पहली बात ये है तो इतना बुरा मानने की बात इतनी चढ़ने की बात उस पर नहीं होती है ये बात याद रखिएगा और ये इसलिए बोली जाती है कि बच्चे एक्चुअली में ऐसा करते हैं बच्चों को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है तो टीचर का काम होता है समझाना और आजकल के बच्चे जो होते हैं टीचर की बात का वजली बुरा मान जाते हैं और याद रखना कि अभी जितना बुरा मानोगे उतना बाद में फिर समझ में आएगी चीज़ें कि आदमी सही कह रहा था या गलत कह रहा था ठीक है तो इसलिए इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है आपसे नहीं कहा है मैंने और बिल्कुल भी आपसे नहीं कहा है अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए तायबा खान जी सॉरी मेरी तरफ से राइट लेकिन समझाना मेरा फर्ज है जो किस बुरा लगा उसके लिए सॉरी आगे भी बोलूंगा और दस बार बोलूंगा चलिए आगे आंसर क्या हो जाएगा इसका चलिए वाटर में वाटर में देखो निर्वात में कोई भी स्पीड नहीं होती आपको निर्वात की बात करेंगे तो वैक्यूम में इसकी स्पीड जीरो होती है क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है एक माध्यम चाहिए होता है या फिर एक मीडियम चाहिए होता है जहां से क्या करता है ये ट्रेवल करता है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे चलो हाँ तो सब एक जैसे नहीं होते हैं आपसे कौन कह रहा है कि आप एक जैसी हैं आपसे कौन कह रहा है आपसे कोई कह नहीं रहा है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऐसे आता है कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज स्टार्टेड बाई प्रेस किसके द्वारा शुरू किया गया है ऐसा तो ये भी बोला जाता है कि सभी आदमी कुत्ते होते हैं तो क्या मैं अपने आप को कुत्ता मान लू फिर मैं गुस्सा होने लोगों की लू आदमी को कुत्ता बोला जाता है तो वो मानने वाली बात होती है ना चलो एड एसमस गुटनबर्ग आप फिर हो जाएगा मै या फिर हो जाएगा फ्रांसिस्को बारबरो इनमें से सही आंसर आपका क्या होगा तो आप आंसर दिया थ्री सिक्स ने गुटनबर्ग आंसर दिया है तो पिर्ला प्रिंटिंग प्रेस जो है आप क्या देखेंगे गुटनबर्ग के द्वारा शुरू किया गया था और इंडिया की अगर बात की जाए भारत की बात की जाए भारत में कौन लेके आया था प्रिंटिंग प्रेस को जैसे या तो ब्रिटिशर्स लेके आए थे या पुर्तगाली लेके आए थे या फ्रेंच लेके आए थे इनमें से कौन से लेके आया था जरा बताएं चलिए पूरा आंसर नहीं लिखा है पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो सब चीजों में ध्यान मत दो आगे बढ़ो तो पुर्तगाली लेके आए थे वेरी गुड पुर्तुग लेके आए थे पोर्तगेज या फिर पुतगाई लेके आए थे प्रिंटिंग प्रेस को ठीक है एक एक्ट पास किया गया था प्रिंटिंग प्रेस को लेकर उसमें यह बोला गया था कि अगर किसी भी भारतीय भाषा में या लोकल भाषा में आपको कुछ भी प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए पहले से क्या लेनी पड़ेगी परमिशन लेनी पड़ेगी और ये कौन सा हो जाएगा आपका आर्टिकल जरा बताएं कौन सा आपका एक्ट आया था जिस एक्ट के तहत यह बोला गया था कि आपको अगर लोकल भाषा में अगर कुछ छापना है तो आपको पहले से अंग्रेजों से क्या लेनी पड़ेगी प्रेसल लेनी पड़ेगी और वो आपका एक्ट कौन सा था वो था आपका बर्नेकुलर एक्ट कौन सा था बर्नेकुलर एक्ट था इसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे प्रेस एक्ट था ठीक है ये निकाला गया था किसके लिए प्रिंटिंग प्रेस के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आता है क्या कि शाहनामा के लेखक फिरदोसी किसके दरबार में कवि साहित्यकार थे पोएट लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ महमूद गजनबी महमूद गोरी कुतबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश इनमें से किसके में हो जाएंगे ये चलिए लिटन लाया था अठारह में वेरी गुड चांदनी बहुत बढ़िया तो यहाँ पे आंसर दिया गजनबी हो जाएगा हमारा कौन सा ये महमूद गजनबी के दरबार में था शाह का लेखक फिरदोसी चलिए नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है तो कुछ मेले हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा नौचंदी का मेला जैसे कि किस जगह पे होता है मेरठ में प्रयागराज में हरिद्वार में या फिर हो जाएगा कहां पर वृंदावन में से किस जगह पे होगा नौचंदी का मेला नौचंदी का मेला कहां लगता है चलो आंसर दो तो जल्दी से फटाफट किरण अंबिका वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए मैथ्स क्लास का टाइम क्या है मैथ्स क्लास बड़ा चलेगी आपको शाम को छह बजे चलती है छह से सात उसमें आ जाइएगा जहां पर जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा ये मेरठ में होता है नौचंदी मेला तो नौचंदी मेला सूरज कुंड मेला ये सब आपका पुष्कर मेला ये कुछ मेले हैं जो फेमस हैं उनको क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे राइट नौचंदी हो गया पुष्कर हो गया या सूरज हो गया पुष्कर या फिर क्या हो जाएगा आपका सूरज हो जाएगा इसको क्या करेंगे आप लोग याद कर लेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है क्या आगे देखते हैं कि कौन सी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी है तो विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया मानदी ब्राह्मणी बैतरनी या भार्गवी बताए इनमें से कौन सी हो जाएगी छठी सबसे बड़ी नदी उड़ीसा की उड़ीसा में जो है महानदी नदी पाई जाती है और इंडिया की जो सबसे टॉप की नदी है वो गंगा नदी आती है सबसे नंबर एक की आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आ जाता है कि पास्कल किसकी मानक इकाई होती है तो पास्कल की बात करेंगे तो ये प्रेशर की होती है एनर्जी की जूल होती है ग्रेविटी की आपकी न्यूटन मीटर न्यूटन हो जाएगी और रेजिस्टेंस की क्या हो जाएगी ओम हो जाएगी या न्यूटन हो जाएगी ठीक अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है तो कौन सी नदी राजस्थान की कामधेनु नदी कही जाएगी बनास खरी चंबल लूनी इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा ये सारी राजस्थान की नदियाँ हैं और कौन सी हो जाएगी इसमें से आपकी राजस्थान की नदी तो सी आंसर दिया है थ्री सिक्सटी डिग्री ने चंबल आंसर दे रहे हैं और आंसर हो जाएगा आंसर बेटा चंबल ठीक है लूनी रिवर जो है वहां पे गायब हो जाती है मतलब ये लैंड में जाके खत्म हो जाती है तो इसको बोलेंगे इन लैंड ड्रेनेज बोलते हैं इसको इन लैंड ड्रेनेज किस नदी का है तो हो जाएगा वो लूनी रिवर हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिकतर क्या शामिल होता है आंतरिक भाग की बात की जा रही है अर्थ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ इनर कोर की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये क्रस्ट होता है क्रस्ट को बोला जाता है या फिर आपका मेंटल होता है और इसके बाद आ जाओगे तो ये कोर होता है कोर में निकल और आयरन पाया जाता है सबसे ज्यादा तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट की बात करेंगे तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है मेंटल की बात करेंगे तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाएगा इसके मेंटल में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अब यहाँ से आता है दोस्त देखेंगे कि असेक्सुअल रिपोर्डक्शन टेक्स प्लेस इन अलैंगिक प्रजनन किस में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें इनके जो ओबम और जो एग वगैरह होते हैं वो बाहरी निषेचन करते हैं इसके लिए उनको आ, क्या बोलते हैं करने की जरूरत नहीं, नहीं पड़ती है इसको बोलेंगे असेक्सुअल रिलेशन प्लांट्स हायर एनिमल लोअर एनिमल या लोअर एनिमल्स एंड द प्लांट्स किस में होता है असेक्सुअल रिलेशनशिप चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें प्लांट्स में, में. आंसर हो जाएगा बेटा आपका ये लोअर एनिमल और प्लांट्स में इनमें भी तो होता है प्लांट्स में इनके पुंकेसर होते हैं फूल वगैरह में पुंकेसर पराग पराक्रण ये जाते हैं पुंकेश्वर जाके मिल जाते हैं तो फूल में फीमेल पार्ट भी होता है मेल पार्ट भी होता है तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट से मिलता है तो उसको बोलेंगे तो सेक्सुअल तो होता है प्लांट्स में लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं छोटे एनिमल्स होते हैं इनमें नहीं होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जब संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इनके संयुक्त बैठक की बात करें तो इनकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा राष्ट्रपति बीपी स्पीकर या फिर चीफ जस्टिस तो यहाँ पे कौन करेगा ये राष्ट्रपति क्या करेंगे राष्ट्रपति स्पीकर करेंगे अध्यक्षता स्पीकर करेंगे और उसको बुलाएगा कौन प्रेसिडेंट बुलाएगा राइट तो बुलाने का काम किसका होगा प्रेसिडेंट का करेगा अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे राष्ट्रपति बुलाता है यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा राष्ट्रपति बुलाएगा और लोकसभा का इनकी अध्यक्षता कौन करेगा वो स्पीकर ही करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कफनी हिम्मत कहाँ स्थित है कि कफनी ग्लेशियर सिचुएटेड एट चंपावत बागेश्वर पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी चलो इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा कपनी हिमालय चलो पित्तौड़गढ़ आंसर हो जाएगा यहां से बेटा आपका बागेश्वर हो जाएगा पित्तौड़गढ़ नहीं होगा अगला क्वेश्चन से आता है कि ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो एमीटर से नापेंगे क्या करंट नापेंगे करंट बैरोमीटर से क्या नापेंगे प्रेशर नापेंगे और आपका क्या हो जाएगा बैनोकला बाँग, दूरबीन होती है दूर का देखने के लिए होती है एल्टी यानी कि इससे क्या नापते हैं ऊंचाई को नापते हैं किससे एल्टी अगला सवाल आता है यहाँ से कि गीतांजलि किसने लिखा है वो है च द गीतांजलि तो गीतांजलि को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर एम के गांधी महादेवी या श्री अरविंदो के द्वारा किसने लिखा है गीतांजलि और गीतांजलि लिखा है किसने टैगोर साहब ने लिखा है इसके अलावा टैगोर साहब ने सवाल से क्या बन सकता है इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का इंडिया का जनगण मन जन गण जो है वो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का इन्होंने लिखा है अमार सोनार बांग्ला तो अमार सोनार बांग्ला मतलब हमारा बांग्लादेश सबसे अच्छा तो अमार सोनार बांग्ला करके लिखा है इन्होंने और इसके अलावा इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था एशिया का सबसे पहला आपका नोबल किसमें बोले तो लिटरेचर में यानी कि साहित्य में दिया गया था किसको रविंद्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया था आगे आगे मिलेंगे चलो अगला इसी गीतांजलि के लिए ही दिया गया था इनमें इनको क्या बोलते हैं नोबेल पुरस्कार 1913 में नाइनटीन में दिया गया था 1913 में दिया गया था राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहां से आता है बेटा कि पर देखेंगे ऑफ द द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक आदमी के पेट में कौन सा स्टमक पाया जाता है जो सब कुछ हजम कर जाता है आदमी के पेट में जो जो आपका एसिड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर ना दो तीन चीजें होती हैं आदमी के पेट में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ये बात याद रखेंगे और बाइल जूस से सवाल पूछा जाता है बाइल जूस इसका पीएच से सवाल पूछ देंगे पीएच इसका आठ के आसपास होता है इसका पीएच दो के अप्रोक्ष रहता है दो तीन के अप्रोक्ष रहता है किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है द पोबी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट असम अरुणाचल या फिर आपका नागालैंड या फिर मिजोरम इनमें से किस जगह पर पाया जाएगा पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य चलो बताओ

मिठाई या मिठाई बोलते हैं कुछ लोग इसको आ, किस नदी को बनाते हैं बरेच रिवर लूनी रिवर बंदी रिवर या फिर हो जाएगा चंबल रिवर इनमें से कौन सी नदी बनेगी इन दोनों को नदी को मिला के तो यहाँ पे बच्चों का आंसर आ रहा है बरेच मीना लोग और इस गरिमा ने दिया है वैभव ने दिया है बांडी और आंसर जाएगा इसका बेटा बांडी रिवर हो जाएगा जो कि वैभव ने आंसर दिया है वेरी गुड वैभव आगे बढ़ते हैं तापमान का मानक स्केल क्या होता है द स्टैंडर्ड स्केल ऑफ़ टेम्परेचर, गैस स्केल पारा स्केल प्लेटिनम स्केल या फिर थर्मोकपल स्केल ये चारों स्केल यूज की जाती हैं कि लिए टेम्परेचर को मापने के लिए इसमें इसकी जो मानक स्केल हो जाएगी उस मानक स्केल को क्या कहेंगे चलिए क्या कहेंगे तो यहाँ पर आंसर दिया ललित और चांदी ने डी दिया है, तो है थर्मोकपल आंसर हो जाएगा आपका गैस स्केल होती है इसकी मानक स्केल होती है यहाँ पर बोले स्टैंडर्ड स्केल होती है किसकी टेम्परेचर की जिसको हम लोग गैस स्केल कहते हैं पारा स्केल मरकरी स्केल जो थर्मोमीटर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए और वैसे क्या हो जाएगा आपका गैस स्केल हो जाएगी ठीक कितने डिग्री फॉरन पर हमारी बॉडी का जो वर्किंग सिस्टम है वो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा जरा बताइए गैस स्केल होती है जोगड़े जी साइंस में पढ़िएगा इंजीनियर हो तुम तो चलो बता जल्दी से कितना टेम्परेचर होता है जिसमें आदमी का जो बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर देता है मतलब बुखार जैसे ही आपका 103 104 पहुंचता है तो आपको गड़बड़ हो जाती है नहीं एक सौ दो नहीं होगा 105 पे होता है बन जियो फाइव पे आपकी बॉडी जो है काम करना बंद कर देगी आप लिटिल बिट कोमा के स्टेज में चले जाएंगे एक डिग्री फाइन हाइट आप एक आप, आप, पे आपका टेम्परेचर होगा तो इसके अलावा कितने भी आदमी की मौत हो जाती है तो एक डिग्री एक सौ पे

ड्रैगन दिया है गरिमा ने और सरन ने दिया है ए ड्रैगन तो यहाँ पे लोगों का गैब्रियल ड्रैगन आंसर आ रहा है और सही आंसर से दोनों ही नहीं है आंसर हो जाएगा आपका हैक्टर क्या हो जाएगा हेक्टर इसका सही जवाब हो जाएगा तो हेक्टर नाम का जहाज था जिसमें हॉकिंस विलियम पहली बार क्या आए थे इंडिया आए थे ड्रैगन गैब्रियल लगाए जा रहे हैं चलो आगे बढ़ते हैं गैब्रियल तो उनके बेटे का नाम है नरक के देव देवता है उनका बेटे का नाम है गैब्रियल आगे बढ़ते हैं प्रभाकर वर्धन वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन जो थे किसके बेटे थे आदित्य वर्धन राज्यवर्धन या फिर नरवर्धन या फिर परमेश्वर वर्धन इनमें से किसके बेटे हो जाएंगे कौन आपके प्रभाकर वर्धन तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देखो प्रभाकर वर्धन या फिर हर्षवर्धन की बात करें ये सब वो डायनेस्टी है जैसे हर्षवर्धन तालुका रखते हैं और प्रभाकर वर्धन ये हमारे आदित्य वर्धन के क्या हुआ करते थे बेटे हुआ करते थे प्रभाकर वर्धन आगे बढ़ेंगे रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन ज्वालामुखी पर्वत गला रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाएगी कहाँ पर प्रशांत महासागर में पाई जाएगी सबसे गहरा अगर पूछा जाए तो भी यही हो जाएगा इसका जवाब अगर मरियाना ट्रेंच पूछा जाए तो भी इसका जवाब क्या हो जाएगा यही हो जाएगा अगर पूछा जाए कौन सा एस शेप में है तो आपका अटलांटिक सवाल हो जाएगा और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा तो अंटार्कटिक हो जाएगा सबसे बड़ा सागर हो जाएगा ठीक है चलिए ये हुई ना बात ऐसे सवाल चाहिए अच्छा हाँ, हाँ यही सवाल यही सवाल देख के तो मना मजा आ रहा होगा ना मीनल देवगड़े जी है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहां से आता है बेटा नोट करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों का फैसला करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स यहाँ पर जो अधिकार होते हैं जैसे कि एडवाइजरी ज्यूरिस्टिक्शन ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन एपलेट जुरिस्टिक्शन या फिर ज्यूरिस्ट प्रूडेंस जिसको बोलेंगे न्याय शास्त्र इनमें से कौन से रूल के तहत करेंगे तो ये इनके एक्चुअली में होता क्या ओरिजिनल ज्यूरिस्टिक्शन होता है इसमें एडवाइज नहीं करेंगे सीधे सीधे क्या करेंगे फैसला सुनाएंगे ऐसा है अपने काम से काम रखो ये काम मत करो राइट आगे बढ़ते हैं एडवाइजरी किसके केस में आता है प्रेसिडेंट के केस में आता है एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन ठीक आगे बढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो इनके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है संसद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत के मुख्यमंत्री इनमें से सही जवाब होगा क्या वो जाएंगे प्रेसिडेंट हो जाएंगे राइट तो याद रखना यहां पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो इनकी अपॉइंटमेंट इनको अपॉइंट करने का काम इसके अलावा इनकी ट्रांसफर करने का काम ये सब कौन करेगा राष्ट्रपति के माध्यम से ही होते हैं लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हाई कोर्ट जजों की शपथ कौन दिलाता है तो आपका जवाब क्या होगा हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा जरा बताएं सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनको शपथ जो दिलाएगा वो दिलाएंगे राज्यपाल कौन दिलाएगा राज्यपाल क्या दिलाएंगे इनको शपथ दिलाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो अब अगला क्वेश्चन यहां से आता है नोट करेंगे कि वट इज द थीम ऑफ द सेंसस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अमंग दीम्स निम्नलिखित विषयों में से जनगणना दो हजार इक्कीस का विषय क्या है निम्नलिखित विषयों में से जनगणना दो हजार इक्कीस का विषय क्या हो जाएगा अबर सेंसस अबर फ्यूचर जनगणना से जनकल्याण यू काउंट सो बी काउंट याबर फ्यूचर जाएगा दो हजार का हो जाएगा और अभी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनगणना से जनकल्याण जनगणना से जनकल्याण ये हो जाएगा 2021 की सेंसस की टैगलाइन मुझे अच्छे से याद है कि दो जब तेरह में मैं कॉलेज में था मेरा मन कर रहा था कि मैं क्या दूँ पेपर दूँ ऐसी गवर्नमेंट का तो मैं फर्स्ट गवर्नमेंट पेपर वाजता एस एस सी सी क्योंकि उसी के लिए फिर एलिजिबल था उस टाइम पर तो वो पेपर पहले ऑफलाइन हुआ करता था मैं देने गया था एक अलग ही एक्सपीरियंस था और ऐसे मज़े मजे में देने गया था संडे का संडे का दिन था बीटेक कॉलेज में मैं के दे देता हूँ तो वहाँ पे ये सवाल आया था और मैं ये सवाल गलत करके आया था मुझे अच्छे से याद है यही सवाल था कि दो की जनगणना का विषय क्या हो जाएगा और मैंने वो सवाल गलत किया था आज से नौ साल पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आज अगला आता है कि मंजीरा रिवर इंद्रावती रिवर एंड द पूर्णा रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द दिच ऑफ द रिवर राइट चलो <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं मंजीरा नदी इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी हमारी कौन सी आपकी एक गोदावरी नदी कहां गई ये गई तो गोदावरी नदी की से क्या हो जाएंगी सहायक नदियां हो जाएंगी याद रखना अगर गोदावरी नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी आपको आंसर बताना है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी हो जाएगी बॉरी गुड काजल यादव जी वेन गंगा तो वेन गंगा जो हो जाएगी ये हमारी गोदावरी की सबसे सहायक नदी होगी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी गोदावरी की गोदावरी नदी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा क्या बनाती है डेल्टा बनाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र के बाद में रेट सुंदरबन के बाद में इसके अलावा इसको हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं इसके अलावा दक्षिण की गंगा भी कहते हैं तो उसको गोदावरी को राइट आगे बढ़ेंगे चलिए जनगणना से जनकल्याण ओके ये आएगा मतलब 2011 भी पूछ सकता है ना सर एम वाले कुछ भी पूछते हैं हाँ दो भी पूछ सकते हैं दो भी पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऐसे आता है कि बडोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन हुआ करते थे 1928 का टाइम था 1928 में और हमारे पटेल साहब यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे हमारे इसके नेता हुआ करते थे और महिलाओं ने इनको नाम दिया था क्या सरदार की उपाधि दी थी इनको किसने महिलाओं ने दी थी ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ से अगला आता है बेटा कि आई आर डी पी बाच इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग बिच प्लान तो आई आर डी पी को किस योजना के दौरान पेश किया गया था तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर तीसरी छठी पांचवी या फिर आपका चौथी पंचवर्षीय योजना इनमें से कौन सी में शुरू किया गया था आपका आई आर डी पी और आप में से आई आर डी पी की फुलफॉर्म जो बता कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में तो आई आर डी पी की फुलफॉर्म क्या है जैसे भैभव ने आंसर दिया है जो लोग आंसर दे रहे हैं वो मुझे आईआरडीपी की फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में पेस्ट करेंगे पांचवा छठा यहाँ पे आंसर है सबका छठा आंसर आ रहा है ये अच्छी बात है तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा बेटा आपका ये सिक्स फाइवर प्लान हो जाएगा जिन लोगों ने छठी फाइवर पंचवर्षीय योजना आंसर दिया है वो लोग मुझे इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे वेरी गुड आयुष ने बोला है इन्फॉर्मेशन एंड द रूरल डेवलपमेंट अच्छा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अच्छा चलिए भाई इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान वेरी गुड चांदनी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हॉर्नबिल महोत्सव को महोत्सवों का महोत्सव भी कहा जाता है जिसे प्रतिवर्ष किस जगह पर आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल और ये फेस्टिवल 2016 में तब नजर में आया था जब यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे इसका उद्घाटन करने पहुंचे थे उस समय काफी न्यूज में आया था हॉर्नबिल और ये हो जाएगा कहाँ पे नागालैंड का हो जाएगा बाद में इसको बंद करने के लिए भी बोला गया तो हॉर्न बिल को फिर बाद में ये स्टार्ट रहता है ऐसे बहुत सारी गेम है जो वही मतलब भैंस या बैल वगैरह जो भी होता है उसके आगे आना होता है चलिए आगे बढ़ेंगे वो तो खैर कौन सी कंट्री में खेला जाता है ये स्पेन में ना स्पेन में सांड वाला खेला जाता है चलो किसी भी पदार्थ के लिए घनत्व की ईसाई इकाई क्या होती है द ईसाई यूनिट ऑफ द डेंसिटी फॉर एनी सब्सटेंस इज़ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इनमें से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बुल फाइट स्पेन यार सेशन को आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो सेशन को आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो कम से कम शेयर करो लाइक करो ठीक है हाँ कर्नाटका भैसे के साथ करते हैं और यूपी में आदमी आदमी के साथ करता है गुड मॉर्निंग वैष्णवी वैष्णवी आप वही वैष्णवी हैं क्या मतलब जो पहले में पढ़ाता था, था वहां पर वैष्णवी भी आती थी, थी क्लास करने चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप आंसर हो जाएगा क्या जरा बताएं क्यूब होगा <laughs> देखो होता क्या है कि डेंसिटी की बात करेंगे क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम होता है मास अपॉन वॉल्यूम और देखेंगे किलोग्राम को लिखते हैं और ये हो हो जाएगा हो जाएगा मीटर क्यूब तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है यानी कि सॉरी बी वाला क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे चलिए यूपी का बैच भी आएगा बहुत जल्दी आएगा मेगा सैनी जी डोंट वरी आगे बढ़ते बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू इनमें से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है एपिथेलियल टिश्यू उपकला उप ऊ तो याद रखेंगे यहाँ पर जितने भी हमारे जो मसल जितने भी ऑर्गन होते हैं इस ऑर्गन की रक्षा जो की जाती है ऑर्गन के ऊपर एक झिल्ली होती है चाहे फेफड़े हो चाहे वो आपका दिल हो सबके आसपास एक झिल्ली होती है जो शॉक वगैरह लगने से इसकी मदद करते हैं तो उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं और मसल टिश्यू पैरन या कनेक्टिव टिश्यू इसमें से कौन सा हो जाएगा जो कि हमारे चलिए जंतु ऊ नहीं होगा आंसर क्या हो जाएगा आपका इधर मैं बता रहा हूँ एपिथेलियल टिश्यू होगा उसके बावजूद भी तुम लोग एपिथेलियल आंसर लगा रहे हो मतलब हद होती है मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये ऑर्गन्स को क्या करता है ये उसको बांध के रखता है राइट वरना दिल ऐसे धक्का ऐसे खाएगा लटक जाएगा राइट तो याद जाएगा आंसर कौन सा ये भी होगा मसल टिश्यू होते ही होते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएंगे जैसे कि ब्लड हो गया तो ब्लड क्या होता है कनेक्टिव होता है जैसे कि बोन हो गया बोन क्या हो जाएगी कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे लेकिन पैरन जो होता है ये आपका नहीं होता है जंतु ऊतक ये प्लांट ऊतक होता है यानी कि प्लांट टिश्यू होता है परन कायमा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन यहाँ से अगला आता है कि कौन सा एंटीमनी का प्रतीक होगा एंटीमनी तो एंटीमनी का सिंबल इनमें से कौन सा हो जाएगा एजी जी अर्जेंटी में तो सिल्वर का हो गया आ, एंटीमनी एंटीमनी ये तो लेड का हो गया और ये टनजस्टन का हो गया तो इसको बोलेंगे बोलो फॉर्म ये टनजस्टन का होता है जो कि बल्ब में यूज किया जाता है बल्ब में यूज किया जाता है ये लेड का हो जाएगा जो उसको प्लम्बम कहते हैं और ये आपका चांदी का हो जाएगा सिल्वर का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आपका एंटी मनी जिसको बोलेंगे बिस्मत एंटी मनी राइट यस भी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहां से आता है बेटा राज्य सरकार या केंद्रीय बैंक अर्थोपाय अग्रिम किसमें लेता है तो स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक टैक्स बेस एंड द मींस एडवांसेस फ्रॉम whom? तो वेज एंड द मींस एडवांसेस जो लेता है सेंट्रल बैंक कहां से लेगा स्टेट गवर्नमेंट चलो आरबीआई आरडीबीआई एसबीआई या फिर बोले तो आई आर डी ए आई आंसर हो जाएगा यहां से बेटा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहां से आता है क्या ढोल लोक नृत्य के क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा ढोल जो लोक नृत्य होते हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं ढोल तो बांसवाड़ा झालावाड़ा जालोर या फिर उदयपुर इनमें से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा चलिए तो ढोल लोक नृत्य जो है किससे संबंधित हो जाएगा तो यहां पे आंसर दिया है लोगों ने झालावाड़ आंसर दिया प्रशांत ने और आंसर जाएगा जालोर हो जाएगा इसका हो जाएगा झालावाड़ नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी ने भी आंसर नहीं लगाया सही है जालोर हो जाएगा वेरी गुड वैष्णवी जालोर इज द राइट आंसर गजेंद्र वैष्णवी ने सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है ये तो मैं आप लोगों को कल भी शायद पेपर में करवाया था मॉक में मयूरभंज छऊ किस जगह का आंसर होगा ये चलिए गौरव सरकार लाडला सी आंसर जरा बताइए उड़ीसा मयूरभंज छो क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा इसका सही जवाब ठीक है राजस्थान में आपका घूमर होता है महाराष्ट्र में लावनी होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर कर्नाटका में एक्सगान होता है एम में सी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा सी क्या होता है कोड होता है कलर होता है कंप्यूटर होता है कैरेक्टर होता है सी क्या होता है तो कैरेक्टर रिकोगशन होता है मैग्नेटिक वाला कैरेक्टर रिकोगशन होता है तो क्या कोड होगा कि कैरेक्टर होगा आंसर हो जाएगा इसका कैरेक्टर होता है भाई कोड नहीं होता है कैरेक्टर रिकोगशन होता है एम आगे बढ़ेंगे कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है कुल मिलाकर अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो राइट टू वर्क जो हो जाएगा ये पहले ही वाला हो गया ये तो हमारा डी पी एस पी में है किसमें है डी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राइट टू वर्क ये ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग ये भी फंडामेंटल राइट right है ये माइनॉरिटीज वाला फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल ट्वेंटी वन ये भी फंडामेंटल राइट है ये नहीं होगा ये डीपीएसपी में होगा राइट टू वर्क अब आपसे सवाल मेरा ये है कि डी पी एस पी में जो राइट टू वर्क है वो कौन सा आर्टिकल है राइट टू वर्क चवालीस है पैंतालीस है तैंतालीस है बयालीस है कौन सा हो जाएगा डी पी एस पी में राइट टू वर्क काम करने का अधिकार मुझे काम करने का अधिकार है ये देखते कौन आंसर देता है कोई तो दे दो आर्टिकल फोर्टी फोर फोर्टी थ्री फोर्टी फाइव ओ हो हो क्या बात है क्या बात है वेरी गुड बहुत अच्छी चीज तो फोर्टी भी आ गया फोर्टी वन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव ये हालात हैं आपकी क्लास के डी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे कि राइट टू वर्क या फिर मेटर्निटी जो आपकी लीव मिलती है वो एनवायरमेंट वाला फिर आपका मैनेजमेंट वाला लॉ वाला फ्री लीगल एड वाला और आपका काउस लॉटरिंग वाला और इंटरनेशनल पीस वाले ये सारे आर्टिकल आपको क्या होने चाहिए याद होने चाहिए ठीक है बात बस मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जाके कर लेना और होमवर्क क्या है पहली बात तो नोट करेंगे ये वर्क वाला ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए सेकंड आपको मैं लिखूंगा नहीं जानबूझ के नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग डी पी जाके पढ़ो वर्क वाला ये आपका मेटर्निटी रिलीफ वाला पढ़ना है आप लोगों को मेटर्निटी वाला तीसरा नोट करेंगे आप पर फ्री लीगल एड वाला कौन सा आर्टिकल हो जाएगा यही पूछे जाते हैं आपके डी में फिर आपका चौथा आएगा इन्वायरमेंट वाला फिर आपका काउ वाला काउस लॉटरिंग वाला और आपका आ जाएगा कौन सा आपका इक्यावन वाला कौन सा है वो पीस वाला इंटरनेशनल पीस का आएगा इसके साथ साथ में आ जाएगा कौन सा वो आ, एक और आता है ठीक है ऐसे करके कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद रखें फ्री लीगल एड तो फ्री लीगल एड मैनेजमेंट का लेबर में जो अमेंडमेंट हुए थे खासकर ये थर्टी 39, नाइन थर्टी नाइन ए अमेंडमेंट आपको करना है फोर्टी थ्री ए अमेंडमेंट फोर्टी एट ए अमेंडमेंट ठीक है मज़दूरों का और इसके अलावा फिर आपका पार्टिसिपेशन वगैरह इन्वायरमेंट वगैरह ये सब आपको करने हैं इनको याद रखिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चनेंगे आता है नोट करेंगे चलिए इसको हटा दीजिए निम्नलिखित में से कौन भारत के के संविधान की संघ सूची तहत एक विषय आता है तीन तरीके की सूचियां हैं सातवीं अनुसूची में इनको डाला गया है तीन है एक हो जाएगी संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट और एक हो जाती है आपकी राज्य सूची राज्य यानी कि स्टेट लिस्ट और एक हो जाएगी आपकी कौन सी आपकी कॉन्करेंट यानी कि संवर्थी सूची तो इसमें सौ सब्जेक्ट हैं इसमें इकसठ सब्जेक्ट हैं, इसमें आपके बावन सब्जेक्ट हैं, याद रखना ठीक है संप्रद्धि सूची का मतलब हो जाएगा संघ सूची का मतलब हो जाएगा जिसपे सिर्फ सेंटर का ही हाथ है सेंटर देखो सिंपल से बात है कि रेलवे क्या करें रेलवे स्टेट की नहीं होती है रेलवे केंद्र की होती है आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया है द जोनल काउंसिल हैव बिन स्टेब्लिड बाई तो जोनल काउंसिल को किसके थ्रू स्टेब्लिश किया गया आर्टिकल 263 स्टेट री एक्ट जोनल काउंसिल एक्ट या फिर एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसके थ्रू शुरू किया गया है आपका कौन सा ये क्षेत्रीय परिषदों को राइट जोनल काउंसिलों को तो यहाँ पर गौरव सके लाले ने ए आंसर दिया है किरण ने बी आंसर दिया है आयुष ने सी आंसर दिया है तो मोस्टली पे बी आंसर लगा रहे हैं तो हो जाएगा हमारा ये आंसर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम यानी कि ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो अगला क्वेश्चन है है बेटा क्या आता है? नोट करेंगे कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं यहाँ पर लोगों ने जिसने विरोध नहीं किया था वो कौन हो जाएगा जन्ना, जमना जमुना दास मेहता स्वामी गोविंदानंद यूसुफ मेहरेली एंड दुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इनमें से अरविंद समझौते का विरोध नहीं, तो नहीं, नहीं किया बाकी सबने विरोध किया था तो यहाँ पर याद रखेंगे ये हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है इन्हें विरोध नहीं किया बाकी जमुना दास स्वामी गोविंदानंद यूसुफ महेंद्रीन इंद्र मेहरौल इन्हें सबने क्या किया था इसका विरोध किया था आगे बढ़ेंगे खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था दो ही तो फेमस शासक हुए हैं एक हुए हैं जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने इसकी स्थापना की है और एक इनके भतीजे और इनके दामाद जो है जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी राइट याद रखना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ अगर यहाँ पे बात करूं मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा शासक था बहुत ही बढ़िया शासक था अगर शासक की नजर से देखा जाए तो लेकिन उसने एक ऐसी गलती की जिसके लिए इतिहास उसको आज भी घड़ियाँ देता है वो है उसका किसी भी स्त्री पर दूस, उल्टी दूसरी निगाह डालना राइट और ऐसे ही एक क्या बोलते हैं और भी एक दो लोग ऐसे बदनाम है जो अच्छे शासक हुआ करते थे जैसे राम और रावण को देख लीजिए क्या रावण राम से कमजोर था किसी मामले में बिल्कुल कमजोर नहीं था सबसे ज्यादा विद्वान कौन था रावण था सबसे बड़ा भक्त सिर काट के दान करने वाला कौन था रावण था सबसे बड़ा ज्ञानी कौन था प्रखंड ज्ञानी उसको बोलते हैं वो रावण था सबसे बड़ा पुजारी वो कौन था रावण था सबसे बड़ा अपने सत्ता को ध्यान में रखने वाला मतलब यमराज को भी उसने क्या रखा था बंदी बना के रखा था कि उसकी आज्ञा के बिना यमराज किसी की भी जान लेके नहीं जा सकते थे लेकिन 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 राम अलग माने जाते हैं क्यों एक चीज़ की कमी थी, थी बस वो था चरित्र और मर्यादा तो आप लोगों को चरित्र और मर्यादा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो कोई आदमी हो या औरत हो अगर आप अपनी मर्यादा में हैं अपने चरित्र में हैं और चरित्र का पालन करते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे वरना जिंदगी चलती रहती है आगे इतना चलती चली जाएगी राइट आगे बढ़ेंगे चलो फिर आगे मजाक की बात नहीं है रामकली जी राबर से हम मिले हैं गुरु मतलब हर चीज़ में तुमको मजाक की सोचती रहती है मॉर्फिन खा के बैठे हो क्या सुबह सुबह आगे बढ़ते हैं करेवा की मिट्टी जो जाफरान केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी होती है कहाँ पाई जाती है तो करेवा तो सॉयल जो है पे पाई जाएंगी जो कि जाफरान एक एक वो था, जाफरान को खुशबू आती है उसमें तो जाफरान जो हो जाती है जाफरान तो जाफरान के लिए क्या होती है बहुत ही जरूरी होती है चलिए आगे बताएं फटाफट पता नहीं क्या नाश्ते में खाते हैं लोग हर बात में उनको हंसी आती मजाक लगती है चलो तो जाफरान जो हो जाएगा कहाँ पर जाफरान जाफरान आप आंसर आ रहा है आपका कौन सा ए आज हो जाएगा आपका कश्मीर हिमालय में पाया जाता है और इधर ही आपका केसर भी उगाया जाता है केसर केसर भी कहां पर आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के आसपास ही चलता है केसर ठीक है केसर उगाया जाता है राइट कभी आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे वहां पे जो चाय देते हैं वो केसर वाली उसमें केसर के दो दो ऐसे के डालेंगे पूरे केसर का कलर जो है चाय का कलर चेंज हो जाता है कश्मीर हिमालय आगे बढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर होता है सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर होता है चलिए आंसर क्या हो जाएगा हाँ बहुत महंगा मिलता है जाफरान बहुत महंगा मिलता है जाफरान एक होता ना? आपका जैसे ये फूल होता है सपोज ठीक है कुछ इसी तरीके इसी का फूल होता है इसका ये इसमें आपका ऐसे करके ना ऐसे करके कुछ ये पंखड़ी निकली होती है पीले कलर की इसमें करके राइट तो इसका ऐसे करके ना ये जो फूल होता है इसका ऐसे करके तो इन पंखड़ियों को तोड़ा जाता है ये जो होता है ना ये वाली चीज़ तो इसको तोड़ के ऐसे निकाला जाता है इसमें भी इसके तीन पार्ट होते हैं एक पार्ट ऐसे करके ये और ये 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 राइट ये वाला पार्ट होता है हल्का सा ब्लैकिस होता है ये रेडिश होता है और ये एलोइस होता है ये पार्ट जो होता है काफ़ी महंगा बिकता है उसके बाद ये पार्ट जो हम लोग जो लोग ब्यूटी कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ करते हैं ये होता है और ये पार्ट जो रहता है ये वाला ये बाद में जाता है लोगों के पास में मतलब ये कम रेट में बिकता है और ये सबसे महंगा बिकता है राइट आगे बढ़ेंगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या आता है नोट करेंगे कि कोयना और मूसी किस नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी कोयना एंड द द मूसी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बिच रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड द कावेरी चलिए जरा बताए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर क्या आता है लोकल भी आता है मतलब क्या लिखा था किसी ने कोई कमेंट लिखी थी फिर डिलीट मार दी कुछ गलती होगी लग रहा है मुझे कोयना और मूसी किस नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी तो ये हो जाए कोयना हो जाएंगी किसकी कृष्णा की, की नदियां हो जाएंगी आगे बढ़ते हैं पुरानी ब्रेड पर लपाया जाने वाला कपास जैसा सफ़ेद या हरे रंग का धागे जैसा पदार्थ निम्नलिखित में से किस किस जब जीव के हमले का कारण होता है तो फंगस लग जाती है ना उस पर फंगस लग जाती है क्या लगती है फंगस लगती है कबक लगती है राइट ब्रेड कैसी ख़राब हो जाती है आगे बढ़ते हैं कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है शरीर में सकरा के चपाचे के लिए मुख्य हार्मोन है तो फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन द चीफ हार्मोन इन बॉडी फॉर द मेटाबोलाइजिंग शुगर अग्नाशे लाल ग्रंथियां या फिर आंत की ग्रंथियां चलो हाँ पे लोकल केसर कोई बोलते हैं कश्मीर केसर है तो वहाँ से बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको ये हो जाएगा हमारा कौन सा ये जाएगा पैनकिच हो जाएगा जिसको बोलते हैं आईलेट्स ऑफ द लंगर हैंड वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से आता है में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है परमाणु त्रिज्या का मतलब हो जाएगा इसका मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस तो रेडियस की अगर बात करेंगे प्रोडिक टेबल में अगर ये प्रोडिक टेबल होती है तो प्रोडिक टेबल में सपोज दैट अगर ये एलिमेंट ऐसे बने हुए हैं ग्रुप बने हुए हैं राइट तो यहाँ पर आप नोट करोगे इस तरफ जाओगे तो रेडियस क्या हो जाएगी ये क्या हो जाएगी अगर यहाँ से इस तरफ जाओगे तो रेडियस क्या हो जाएगी ये बढ़ेगी ऐसे नीचे आओगे तो रेडियस क्या हो जाएगी बढ़ेगी तो यहाँ पे देखोगे सोडियम यानी सोडियम आपका यहाँ पर पड़ेगा यानी यहाँ पे पड़ेगा सोडियम हेलिना का पोटेशियम बात करते हैं पोटेशियम आपके इसके नीचे पड़ेगा पोटेशियम कार्बन जो पड़ेगा आ, कार्बन आपका इस साइड पड़ेगा राइट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन इधर पड़ेगा और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन भी इधर ही साइड पड़ेगा नाइट्रोजन भी इधर साइड पड़ेगा ठीक है आप पूछा प्रमाणित जो किसकी ज्यादा हो जाएगी राइट तो ज्यादा की बात करेंगे तो किसकी होगी जरा बताएं तो यहाँ पर जाएगा बेटा जो हमारा पोटेशियम की ज्यादा होगी क्यों क्योंकि पोटेशियम पर नीचे लाइन में भी है यहाँ पर इन सबसे नीचे आता है तो इधर साइड में बढ़े के मिलेगी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऐसे आता है कि मृदा नमी के तनाव किसके द्वारा मापी जाती है द सोइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाई सॉयल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाई किस नापी जाएगी कौन सी मृदा तो मृदा नमी का तनाव चलिए पोटोमीटर हाइड्रोमीटर टेंसो या फिर रेन रेनगोज इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा चलो

तो पर प्रकाश ऊर्जा द्वारा पानी के अणु को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं विकिरण अपघटन कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं प्रकाश अपघटन कहते हैं या फिर ताप अपघटन कहते हैं इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जरा बताएं तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आपका बोलेंगे इसको फोटोलेसिस बोलते हैं ये हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से जब होगा तो उसको इलेक्ट्रोलिस बोलेंगे टेम्परेचर से जब होगा तो उसको थर्मोलिसिस बोलेंगे आपका न्यूक्लियर एनर्जी से होगा तो उसको रेडियोलिसिस बोलेंगे राइट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी तो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया कल की तुलना में आज का जो लेवल है थोड़ा सा अच्छा है जो कल जो लेवल था उसके तुलना में आज का लेवल जो है थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा ये बात याद रखेगा ज़्यादा अच्छा नहीं है बट थोड़ा सा मैंने हल्का सा लेवर अप किया है जानबूझ आज की क्लास में तो जिसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है तो ये सवाल बहुत आसान नहीं है राइट सवाल हैं लेकिन इतने आसान नहीं है जितने आसान आप लोग समझ रहे हैं राइट अच्छे सवाल हैं इसमें ये सारे अच्छे सवाल हैं तो पौंडिचेरी इसका क्या आ रहा है आपका सही आंसर आ रहा है पाण्डिचेरी तो आंसर जा कर बैठा है यहाँ पर पौंडिचेरी म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी इराबडी छिंदाबिन सीतांग या फिर थानालबेन और इस नदी के नाम पर एक डॉल्फिन का नाम भी रखा जाता है इराबड़ी डॉल्फिन इराबड़ी डॉल्फिन पूजा त्रिपाठी जी इंग्लिश की क्लास भी चलाएंगे जरूर चलाएंगे यार वही है इंग्लिश की क्लास चलवा देंगे राइट चलो इराबडी रिवर कही जाती है इसके नाम पर डॉल्फिन भी मिलती है म्यांमार में आगे बढ़ते हैं कौन सी नदी एशिया में बहती है इनमें से बोलगा नाइल यांगजे या फिर एमेजोन तो यहाँ पर जो यांगजे नदी जो है वो एशिया की नदी मानी जाती है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अगला क्वेश्चन कौन सा एसिड दूध से संबंधित होगा तो यहाँ पे जो लैक्ट वर्ड मिल जाए तो लैक्टिक एसिड जो है ये तो हो जाएगा आपका इमली से संबंधित हो जाएगा जो गोलगप्पे में खाते हो आप लोग सीट्रिक नींबू हो जाएगा नींबू वगैरह और एसिडिक एसिड जो सिरका हो जाएगा सब खट्टी चीजें हैं सिरका और इलेक्ट्रिक एसिड ये क्या हो जाएगा दूध में हो जाएगा आपका कौन सा लैक्टिक एसिड ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आता है कि यार टाट्रिक मुझे याद है टाट्रिक एसिड से गोलगप्पे कितने महंगे हो गए हैं यार मतलब बाकी में बहुत महंगे हो गए हैं गोलगप्पे खाने का मन नहीं करता है अकेले तो नहीं खा सकता मैं कभी नहीं खाऊंगा वो यहाँ पे थर्टी फाइव रुपए के शायद पांच देते हैं थर्टी फाइव रुपए के फाइव गोलगप्पे ओनली बहुत महंगे हो गए यार इतना महंगा गोलगप्पे में क्या है छोटी सी वो पूड़ी होती है इतों सा आटा लगता होगा इतों सा उसमें और पानी लगता है और उसमें ऐसा क्या है मतलब हाँ मतलब इतना इतना क्या है उसमें पैंतीस के पाँच हैं यार मतलब मैं और वो भी एकदम से चलो खैर मसूरी में पचास रुपये के पाँच गोलगप्पे हैं हाँ जी बहुत बढ़िया मसूरी में पचास रुपये के पाँच मिलते हैं मतलब ऐसा क्या होता है मतलब मुझे समझ नहीं आया अभी तक ऐसा उसमें कुछ मतलब आप ऐसा तो भैया उसमें क्रीम व्रीम डाल के आप चीज़ वीज डाल के उसमें बना दो वही पानी होता है वही ही पूड़ी होती है खैर वो डिमांड के ऊपर होता है डिमांड बहुत बढ़ा दी तुम लोगों ने चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज ग्लूकोज का संचित रूप क्या हो जाएगा इंसुलिन या फिर ग्लाइकोजन चलिए इंसुलिन ग्लाइकोजन ग्लूकागन या फिर फ्रक्ट्रोज इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोजन वेरी गुड ग्लाइकोजन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ग्लाइकोजन है और लीवर में स्टोर होता है लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन लीवर में ग्लाइकोजन क्या होता है स्टोर होता है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है दस के चार मिलते हैं चलिए बढ़िया यहाँ पे यार मुंबई में तो यार पैंतीस के पांच थे यार वो देखा मैंने इतनी भीड़ लगी थी मुझे लग रहा था कुछ फ्री में मिल रहा होगा मार उसके आसपास महिलाएं खड़ी हुई थी बहुत सारी तो कुछ पुलिस भी खड़े होते पीछे से सपोर्ट में तो ठीक है तो मैंने देखा भाई पता नहीं क्या है देखा बगल में तो गोलगप्पे बिक बेकर तुमने ओ माई गॉड आगे देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाई तो यहाँ पर ऑल मेंबर ऑफ़ द लोकसभा या फिर आपके सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है या फिर सभी सांसद के द्वारा चुना जाता है या फिर आपका क्या हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा और पता है टिक्की जो है पे टिक्की जो मिलती है आलू वाली बहुत गंदी मिलती है और शायद की टिक्की थी मैंने कहा नहीं खाना भाई नहीं खाऊंगा <laughs> आगे बताइए तो सीधे जनता के द्वारा सभी संसद के द्वारा भारत के प्रमुख न्यायाधीश के द्वारा किसके द्वारा चलो तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा सभी मेंबर चुनते हैं इसको मिलकर ठीक है लोकसभा को आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेडक्वार लोकेटेड तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई का मुख्यालय कहां पर स्थित होगा दिल्ली दिल्ली शिमला सुलोंग या फिर आपका हो जाएगा देहरादून इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई का मुख्यालय कहां पर स्थित होगा चलो हाँ स्टेट का अच्छा होता है सही बता रहा हूं अब मैं सच अच्छा होता है चलिए आगे बढ़ते आगे क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा शिमला तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है शिमला में पाया जाता है याद रखेंगे ऐसे यूपी में जो भी है जैसे कि पल्सिस वाला कानपुर में है गन्ने वाला सुगर में है आई बरेली में है तो जितने यूपी में है वो यूपी वाले याद कर लो ठीक आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखेंगे भारत के जो अनुच्छेद उनचास यानी कि जो डीपीएसपी में आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा पार्ट फोर पार्ट चार में आएगा और आर्टिकल उनचास में आएगा इसमें क्या दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तो ये आपका एक हो जाएगा एक हो जाएगा स में क्या है जरा बताइए उन्चास में क्या हो जाएगा फटाफट फटा आंसर देंगे चलिए कचालू क्या होता है कचालू मुझे नहीं पता बेटा रामकली डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एवं स्थानों तथा तो प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण करना यह उनचास में दे रखा है आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट अन्नपूर्णा देवमाली माली डोडा बेटा या फिर देवी माली इनमें से कौन सा हो जाएगा जरा बताएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट अन्नपूर्णा देवमाली डोडा बेटा देवी माली जरा बताएं क्या हो जाएगा फटाफट आंसर देंगे इसका क्या हो जाएगा 94 हो गया है 94 आप लोग इसको सौ पहुंचाइए जल्दी से शेयर कर दिए फटाफट अब नौ तो बढ़ा सकते हो आप लोग सारे के सारे चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका अन्नपूर्णा देव माली डोडा बेटा या फिर देवी माला तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा इसको बोलेंगे हम लोग देवमाली बोलते हैं राइट तो पूर्वी घाट का पर्वत शिखर हो जाएगा ठीक है अनाईमुड़ी जो हो जाएगा आपका साउथ का हो जाएगा ठीक है ये बात याद रखना चलिए

ए आंसर दिया आप लोगों ने और डी आंसर देखो आप होता क्या है ये होती राइट फोटो सिंथेस के जस्ट अपोजिट होती है बर्निंग ऑफ बुड लकड़ी का जलना राइट right? इसमें लकड़ी का जलना डी आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े एक्सप्लेन करेंगे बाद क्लास में अगला भारतीय संविधान के किस अध्याय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है अभी ये न्यूज़ में भी चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी गोवा में तो था ही है गोवा जो स्टेट थी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड था ही उसके बाद उत्तराखंड ने भी बोला है कि हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई करेंगे उत्तराखंड भी हो गया स्टेट इसके अलावा अभी जो इनका एजेंडा चल रहा है वो ये है कि स्टेट वाइज स्टेट क्या करने वाले हैं ये लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं उसको आगे लेके जाने वाले हैं स्टेट वाइज स्टेट चलिए तो आंसर क्या होगा इसका जरा बताइए फटाफट सौ नहीं बजाया तुम लोगों ने बहुत गलत बात है हंड्रेड पहुँचाया नहीं तुम लोगों ने बहुत नाइंसाफी है रे चलो कोई बात नहीं ओके 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 आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं डीपीएस भी आंसर हो जाएगा कहां गया ये द चैप्टर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है आगे बढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी अटोर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है कि कौन बनेगा अटोर्नी जनरल तो अटोर्नी जनरल बनने के लिए जो सबसे नियुक्त जो योग्यता हो जाएगी वो क्या हो जाती है विधानसभा का सदस्य होना चाहिए राज्यों के परिषद का सदस्य होना चाहिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए यह है अटोर्नी जनरल की क्या आपकी योग्यता आर्टिकल बताइए अटोर्नी जनरल का कौन सा हो जाएगा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 76 होगा 176 होगा 276 होगा कौन सा आर्टिकल होगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 76 होगा वेरी गुड बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से क्या गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान सातवीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद मौजूद थे तो कुल मिला के सोलह महाजनपद मौजूद थे जिसमें कि मगध जो था सबसे पावरफुल माना जाता था आगे बढ़ेंगे गौतम बुद्ध तो हो गए आगे बढ़ेंगे पोलियो का टीका सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था आ गया सवाल प्रशांत जो तुम सवाल उस दिन पूछ रहे थे कि पोलियो का टीका सबसे ज़्यादा किसके द्वारा तैयार किया गया था जय शॉक एल पोस्चर जे जे मंडल या फिर बॉटसन तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा आपका कौन सा जे क्या हो जाएगा जय सॉल चलिए जी सॉल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं। खोज की थी बात याद रखेंगे और इसके साथ बताइए फटाफट चलो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दो और बचे हुए लाइफ दो ला, दो फोन और खोल दीजिए आप लोग तो हंड्रेड हो जाएगा दो फोन और खोल दीजिए तो ये हंड्रेड हो जाएगा जल्दी से चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपको नोट करेंगे पच्चीस साल तीस साल पैंतीस साल इक्कीस साल तो याद रखेंगे कि पक जो राष्ट्रपति बनने की उम्र हो जाएगी पैंतीस साल हो जाएगी लोकसभा का मेंबर और पीएम बनने के लिए पच्चीस साल हो जाती है और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी चाहिए तीस साल चाहिए और यहाँ पर प्रधान बनने के लिए कितनी चाहिए इक्कीस साल चाहिए और यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी चाहिए आपको यहाँ पर वो चाहिए पैंतीस साल चाहिए राइट थर्टी फाइव चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है नोट करेंगे कि में से एक प्रकार का हो जाएगा। टाइप एक फोन तो मैं खोल लेता हूं। तो नाइन नाइन हो सकता है और बाकी एक फोन आप लोग खोल दीजिए तो हंड्रेड हो जाएगा हंड्रेड तो करना चलो <laughs> आगे बढ़ते हैं। और लाइक किया नहीं आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया गलत बात है चलिए एक तो मैंने खोल दिया बता से क्या हो जाएगा चलो तो उसको बोलेंगे तो कौन से प्रकार का एंजाइम हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं आप लोग ट्रेपसिन दे रहेगा ट्रेपसिन क्या हो जाएगा आपका एंजाइम हो जाएगा इसके अलावा आगे की तरफ देखेंगे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा हाजीपुर कोलकाता जबलपुर या फिर हो जाएगा कौन सा बेटा गोरखपुर इनमें से कौन सा हो जाएगा जरा बताएं फटाफट तो पूर्वोत्तर रेलवे का आपका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो कहां पर होगा मुख्यालय कहाँ पर होगा हाजीपुर या फिर आपका कोलकाता जबलपुर या फिर गोरखपुर इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा फटाफट आंसर देंगे चलो तो टाइम आपका हो चुका है आई थिंक बुलावा भी आ चुका है मेरा आगे बढ़ते हैं चलो तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर आंसर हो जाएगा इसको क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे बाकी आप लोग क्या करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर आप चले जाइएगा वहां पर मेरी क्लास की पीडीएफ और लिंक आपको मिल जाएगी राइट चलिए यहां पर यहाँ पर जाइए आप यूट्यूब को यहाँ पर क्लिक करिए क्लिक करने पर जहाँ पे आपकी क्लास चल रही होगी गई क्लास कहीं तो थी यहां पर टेक्स्ट बुक भी डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है उसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपकी जो क्लास यहाँ पर चल रही है इसके नीचे ही आपका टेलीग्राम का ग्रुप है मैंने पी डी करंट अफेयर्स की डाल दी है जो रिविजन करवा रहा था सुबह और इधर आपकी पी के लिए आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे आप इस पे ऐप पर जाएंगे जहाँ पर जाके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बैच है उसको परचेज़ कर सकते हैं और मेरा कोड लगा दे सकते हैं यहाँ पर ए पी एस ए पी एस कोड के साथ आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा चलिए फिर यार मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए गुड बाय डाटा टेक केयर और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए सेशन को शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे यानी ए पी एस और टेक्सटबुक यू पी के साथ में तब तक के लिए गुड बाय डाटा टेक केयर बाय बाय